ये इंतहाई खतरनाक बात है और बहुत पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली हरकत इस गंदे आदमी ने की है, और ये जेब नहीं देता। यानी मैं वहाँ पे मौजूद था, अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ से जब आया हूँ तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस दिखाई भी नहीं दे रही। उन्हें सख्त अहकामात हैं उस पुलिस को कि आपने सरकारी किसी काम के अंदर मुदाखलत नहीं करनी। वो पुलिस सिर्फ इमरान खान की दहशतगर्दी से हिफाजत के लिए मौजूद है। जो रैली इमरान खान साहब ने एक दिन पहले की थी, उस रैली के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने, जो उनके कमांडोज हैं, उन्होंने बड़ी जाफिशानी के साथ काम किया। और क्योंकि पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी इमरान खान साहब को प्रॉपर तरीके से मुहैया नहीं की गई, तो फिर उन्होंने वो फ़रज़ सर अंजाम दिए ज़्यादातर। तो वो ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज ये गिरफ्तारी के मामले में, या जो सरकारी काम चल रहा है गिरफ्तारी के बारे में, जो पुलिस वगैरह आई है उनके सामने, वो कहीं नज़र भी नहीं आए सारा दिन। मैंने इसको दोबारा कंफर्म किया, ये खबर हामिद भीड़ ने टेबल स्टोरी दी है और ये फितना स्टोरी है। ये पाकिस्तान के अंदर डिवाइड पैदा करना चाहता है, पाकिस्तान में साजिश के बीज बोना चाहता है, और वो ये तासुर क्रिएट कर रहा था आज अपने टीवी चैनल पे बैठ के कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस के ऊपर बंदूकें तान ली हैं। मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि जो लोग इमरान खान साहब के पास अंदर सिक्योरिटी पे मौजूद हैं, उनके पास जो अपने हिफाजत वाले वेपन्स हैं, वो भी आज, मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि उनको दूर कर दिया गया था। रीज़न ये है कि सिचुएशन इंतहाई वर्स थी, कंटिन्यूसली शेलिंग हो रही थी, पुलिस दरवाजे पे पत्थर मार रही थी और लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में ये कोशिश की गई कि खुदा ना खास्ता अगर किसी ने एक पटाखा भी चल गया यहाँ पे तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इमरान खान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था और उनके लोगों ने बड़ी अकलमंदी का मुजाहरा किया है। ये हामिद मीर की स्टोरी को मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि वो साबित करे इस स्टोरी को कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने हथियार उठा के पॉइंट आउट किया है इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस को। ऐसा वहां सारा दिन कुछ नहीं हुआ। ये कारकुन वहां पे मौजूद थे, कोई 150-200 कारकुन था। आज तो वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई और जैसे ही पुलिस को आइडिया हुआ कि कारकुनों की तादाद कम है, तो उन्होंने इसको नादर मौका समझ के तो अटैक किया है चारों तरफ से रास्ते बंद करने के बाद। अब वो कारकुन जो हैं, उन्होंने काफ़ी देर रजिस्ट किया, कुछ 3 घंटे तक वो मुजामत करते रहे। उसके बाद ये इमरान खान साहब के दरवाजे तक पहुंच गए। जब दरवाजे पे पहुंचे तो जो छत के ऊपर और दीवारों पे खड़े हुए कारकुन हैं, उनके साथ फिर पुलिस का आखिरी तसादम हुआ। वहां से पुलिस को पीछे हटना पड़ा और फिर दोबारा से कारकुनों ने अपने आप को इमरान खान के दरवाजे से इकट्ठा किया और फिर उन्होंने जवाबी हमला पुलिस के ऊपर किया, तो पुलिस जो है वो पसपा होकर बाहर मेन रोड पे आ गई। पुलिस ने फौरी तौर पे अपने मददगार जो है उनको पीछे से बुलाया। इतने में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, जितने रुकावटों वाले एरियाज हैं, वहां पे कारकुनों का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और ठंडी सड़क वाली साइड से कारकुनों का एक बड़ा जो है वो टोला वो अंदर घुस गया। वो जो कारकुन ताजा दम आए ठंडी सड़क वाली साइड से, उनके आने के बाद पुलिस का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया और पुलिस वहां से पीछे हट गई। फिर जो पूरे शहर से कारकुन आने थे, उन्होंने ये सारा कुछ हमने होते हुए देखा है, पुलिस को उन्होंने धकेला। जो आपका माल रोड वाला चौक है, नहर वाला, उस पर उन्होंने कंट्रोल किया। फिर जो जेल रोड वाला नहर वाला चौक है, उस पर उन्होंने कंट्रोल किया कारकुनों ने। और जिस वक्त मैं दोबारा वहां पे गया जमान पार्क में, मेरी आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और जो कुछ मैंने देखा मैंने उनको बताया, और जो सिचुएशन उनके साथ गुजरी है और जो चीज़ें वो सोच रहे हैं वो सारी उन्होंने मुझे बताई। कुछ चीज़ें हैं मैं शेयर करूंगा बाद में, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। हर हाल में इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब है। मियां नवाज शरीफ से किया गया वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। मैंने आपको कहा था कि 72 घंटे इंतहाई अहम हैं, अभी लगभग 36 घंटे हुए हैं, आधा वक्त अभी बाकी है। इसी टाइम में नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक इमरान खान साहब का पत्ता साफ करने की कोशिश की जाएगी। जो बड़ी शख्सियत ने लिख कर बकौल इमरान खान साहब के हलफ दिया हुआ है नवाज शरीफ साहब को, तो वो हलफ पूरा करने का टाइम आ गया। और कारकुन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। मैंने पीटीआई वालों से ये पूछा जो लोग अंदर मौजूद थे कि
आप लोगों ने दिन में किसी वक्त गिरफ्तारी का फैसला किया था, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान साहब से ये हमारी बात हो गई थी, उन्होंने कहा था कि ये कोई लॉ के मुताबिक चलें, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग भी हो रही है, तो इन चीज़ को हम देख लेते हैं, अगर नहीं तो अगर गिरफ्तार करना ही आखिरी हल है तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा लेकिन कानूनी तरीके से। तो इसके ऊपर पुलिस ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और पीटीआई के लोगों का कहना है कि ये एक्चुअली इमरान खान को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, इमरान खान को नीचा दिखाना, इमरान खान को रुसवा करना, उनकी तजलील करना इनका मकसद है। ये वहाँ बाई फोर्स ताकत के बलबूते के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे, जिसके बाद कारकुनों ने मुजामत की है। अब इस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है वो ये है कि जो ताकतवर लोग हैं जिन्हें गिरफ्तारी का सिर्फ हुक्म देना आता है, उनके हुक्म की तामील नहीं हो रही और वहाँ खलबली मची हुई है मुजामत देख के, यानी लोगों की मुजामत का वो तवक्को नहीं कर सकते थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी जमात समझ रहे थे जो बर्गर पार्टी है और ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्ट कर सकती है, लेकिन आज उनके अंदाजे गलत साबित हुए और तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने, मैं चंद लोग इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त अंदर 150 के करीब कारकुन थे और ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ने बार बार कन्फर्म किया है, उन्होंने कहा जी उन लोगों ने काफ़ी मुजामत की है और बड़ी लड़ाई की है और बाद में जो लोग अंदर आए और लड़ाई रात तक लगी रही, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जमान पार्क में लगभग 100 से ज़ायद लोग जख्मी हुए हैं जो आसपास के घरों के अंदर अपनी मरहम पट्टी कर रहे हैं, क्योंकि 8 लोग जो मेहमान आए हुए थे बाहर से जब वो जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे तो उनको वहां से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर बाकी कारकुन अब अस्पतालों में नहीं जा रहे, वो अपनी मरहम पट्टी वहां पे खुद ही कर रहे हैं। इस वक्त जो जमान पार्क के आसपास के इलाके हैं वहां से शेलिंग हो रही है और जो घर हैं, जो प्राइवेट लोगों के आसपास घर हैं, उनके घरों के अंदर आकर शेल गिर रहे हैं और कंटिन्यूसली यही सूरत हाल है पूरे के पूरे जमान पार्क में और गिरफ्तारी की एक जिद है। वजह यह है कि कभी भी ऐसी रेजिस्टेंस नहीं मिली, ये रेजिस्टेंस जो है ये नवाज शरीफ के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगी, क्योंकि देखें नवाज शरीफ ने इस मुल्क पे 3 दफ़ा वजारत उज़्मा और 3-4 दफ़ा वो वजारत आला ले चुके हैं पंजाब की, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसी रेजिस्टेंस मुहैया नहीं हुई। उन्होंने अपने कारकुनों से खुद कई दफ़ा कहा है कि आपने मुझे कहा कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, तो जब मैं कदम बढ़ाता हूँ तो पीछे से आप गायब हो जाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो इसको अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत समझ रहे हैं और वो इस मिथ को तोड़ना चाहते हैं कि इमरान खान को फोर्स के साथ गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखना ये है कि अगले जो 5-6 घंटे हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना रजिस्ट करती है, क्या वो रजिस्ट करके इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को मैंने देखा कि वो बेदिली से काम कर रहे थे, हालांकि आज रेंजर्स ने और पुलिस ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है नौजवानों के ऊपर, लोगों के ऊपर, और मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत की जो सबसे बदतरीन एक कोशिश है वो ये है कि वो रेंजर्स को पब्लिक के सामने लेकर आई और अवामी और सियासी इंतहाई सियासी मामले में, ये सियासी नौइयत का मामला है, कोई इंतजामी नौइयत का मामला नहीं है इमरान खान की गिरफ्तारी, तो एक सियासी नौइयत के मामले में एक पैरामिलिट्री फोर्स को लाकर अवाम के सामने खड़ा करना ये निगरान हुकूमत की एक बदतरीन नाअहली है। इनको ये नहीं करना चाहिए था, इदारों का जो एहतराम बचा है उसको बचा रहने देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये कर दिया और फिर हमने खुद देखा, राय साकिब ने विजुअल्स दिखाए कि रेंजर्स नौजवानों के ऊपर, लोगों के ऊपर बदतरीन उनको टॉर्चर रेंजर्स ने भी किया और ना सिर्फ ये और सहाफ़ियों के ऊपर भी टॉर्चर किया गया। अभी भी यहाँ सराउंडिंग में यही सूरत हाल जारी है, ऐसे ही लड़ाई चल रही है और लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6-7 घंटे बड़े अहम हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस है, वैसे आप हाई कोर्ट से उम्मीद क्या रख सकते हैं, क्योंकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये केस डिसाइड कर देना चाहिए था लेकिन उन्होंने आज रात का वक्त दिया है, अगर आज रात के वक्त में ये गिरफ्तारी नहीं की जाती तो सुबह हाई कोर्ट के रद्द अमल में जो है वो आप कुछ भी कह सकते हैं कि फैसला कोई भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे केसेस में 99% जो है वो रिलीफ मिल जाता है पार्टी को कि ठीक है आप अदालत में पेश हो जाएं हम आपको ये रिलीफ दे देते हैं। अगर इमरान खान साहब को ये रिलीफ मिल जाता है तो 18 तारीख तक के लिए चीज़ें जो हैं वो नीचे चली जाएंगी, 18 तारीख को इमरान खान साहब अपने वकला के हमरा अदालत में पेश होंगे और फिर ये एक लॉन्ग मार्च जैसी पेशी होगी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब के साथ
अदालत की तरफ जाएंगे और इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगाने की कोशिश एक मरतबा फिर की जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल लगाई गई थी, और जिद सिर्फ ये है कि जो एक एक रेजिस्टेंस नजर आई है, एक रेजिलियंस नजर आई है लोगों के अंदर, वो अब हजम नहीं हो रही कि ये तो बर्गर पार्टी थी, ये इन्होंने क्या कर दिया है। और अगर ये पार्टी भी इस तरह रेजिस्ट कर रही है तो ये एक नई मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि तादाद इनकी बहुत ज्यादा है, नजरियाती लिहाज से ये बड़े मजबूत हैं, इनको कायल करना भी मुश्किल है। फिर इनमें बहुत सारे जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये बाशऊर लोग हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि अब ये मुजामत भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ख़तरनाक हो जाती है, वो फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी टक्कर ले सकती है जो उन्होंने ली हुई है। तो मैं पहले ये बात समझा रहा था कि ये टक्कर के लोग हैं, ये पहली दफ़ा आपको ऐसे लोग मिले हैं, आप ना करें। मेरे जैसे जाहिल आदमी को, एक आम आदमी को ये चीज़ें नज़र आ रही थी, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उन्हें ये चीज़ें क्यों नज़र नहीं आ रही, या वो ये चीज़ें क्यों नहीं देखना चाह रहे, ये वो बड़े बड़े सवालात हैं जो बड़े लोगों को अपने आप से पूछने चाहिए। नवाज शरीफ को अपने आप से पूछना चाहिए कि लोग उसके सामने कभी ऐसे ढाल क्यों नहीं बन जाते। इमरान खान साहब को मैं मिला हूँ तो वो उस वक्त खासे बेचैनी में थे अपने कारकुनों को लेकर, और वो ये कह रहे थे कि देखो इन्होंने, मैं जब अंदर गया तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा शेलिंग हो रही है बाहर, आप कैसे आ गए यहाँ पे। मैंने कहा जी मुझे छोड़ें, आप ये बताएं कि ये चल क्या रहा है, आपके पास इतला क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा, खान साहब ने, कि ये कारकुनों के ऊपर उन्होंने हल्ला बोल दिया है, कारकुन थोड़ी तादाद में थे, मुझे तो अचानक पता चला कि ये इतना बड़ा अटैक हुआ, और मेरी पार्टी के लोगों को पता चला कि अटैक प्लान किया जा रहा है, और उसके बाद ये सारी सिचुएशन मैंने ये होते हुए देखी है। और सोशल मीडिया बंद कर दिया है, वहाँ का लाइट बंद कर देते हैं, जमान पार्क की सोशल मीडिया वहाँ पे बंद कर देते हैं, इंटरनेट वहाँ पे बंद कर देते हैं, तो किसी का भी इंटरनेट नहीं चल रहा था, सिर्फ टेलीफोन काम कर रहे थे, और कंटिन्यूसली हमने ये सारी सूरत हाल वहाँ पे देखी। इमरान खान साहब से मैंने पूछा गिरफ्तारी के बारे में, तो वहाँ पे उनके लोगों ने जवाब दिया इस बात का, और उन्होंने कहा जी कि गिरफ्तारी का ऑप्शन तो तब हो ना कि जब हमें यकीन हो कि वो सेफ हैंड में है। राणा सनाउल्ला साहब ने खुद कहा है कि इमरान खान साहब को कुचल देंगे। तो अब क्या हम एक ऐसे वजीर दाखिला के हवाले अपना साबिक वजीर आजम कर सकते हैं जो उसको कुचलने का इरादा रखता हो? एक अकेले आदमी को इतनी बड़ी फोर्स के हवाले और ऐसे शख्स के हवाले कर दें जो उसको मारना चाहता है? तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ से पता चली हैं। इमरान खान साहब फिर बाहर आ गए, बातें करते करते इधर बाहर लॉन के अंदर, लॉन में आके उनको वो शेल्स वगैरह दिखा रहे थे, तो वो काफ़ी गुस्से में थे, वो ये भी कह रहे थे कि ये देखो इन्होंने एक्सपायर शेल फायर किए हैं, ये हमारे लोगों को एक्सपायर शेल मार रहे हैं, बाहर खवातीन थी, नौजवान थे, और यहाँ घर के अंदर इन्होंने शेल मारे हैं, सारा दिन आज इन्होंने ये सिलसिला जारी रखा है, तो ये चाहते क्या हैं। तो इमरान खान साहब यानी इन चीज़ों को वो, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल पे रियासत जो है वो आ जाएगी कि एक गिरफ्तारी के लिए वो तमाम जो रवायतें हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के कायदे हैं, उन सबको पसे पुश डाल देंगे। इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें आप इससे भी ज़्यादा वर्स एक्सपेक्ट कर